हिंदूवादी नेता यती नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। हरिद्वार के बाद अब यती नरसिंहानंद ने दिल्ली में हेट स्पीच दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के बुरारी में हिंदू महापंचायत में उनके जहरीले बोल सामने आए। महापंचायत में यती नरसिंहानंद ने कहा 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, उसके बाद हिंदुओं का कत्लेआम होगा और हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। महाविनाश है, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। अपने भाषण के दौरान यती नरसिंहानंद ने द कश्मीर फाइल्स मूवी का भी जिक्र किया और कहा कि जैसे कश्मीरी अपनी जमीन जायदाद बहन बेटियों को छोड़कर भागे थे, आने वाले वक्त में ऐसा नज़ारा देश की अन्य जगहों पर भी होगा। वो लगातार धर्म संसद में मौजूद लोगों को भड़काते हुए नजर आए। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन अपनी जायदाद अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ, केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। आपको बता दें कि दिल्ली के बुरारी हिंदूवादी नेता यती नरसिंहानंद ने ये भड़काऊ भाषण दिया। इस महापंचायत में कई लोग पहुंचे और कई लोगों ने अपनी बात मंच पर रखी, लेकिन यती नरसिंहानंद के बोल कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। महापंचायत में कुछ पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी की गई। हिंदू महापंचायत कवर करने आए 4 मुस्लिम धर्म के पत्रकारों और एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उनके आई कार्ड देखे और उनके साथ बदसलूकी की, उनके मोबाइल और कैमरे छीन लिए गए। एक महिला पत्रकार ने कहा कि भीड़ में उन लोगों ने उसे जकड़ लिया था। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देखकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी के बाद पत्रकारों ने FIR दर्ज कराई। वहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने यती नरसिंहानंद के साथ ही सुरेश चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यती नरसिंहानंद पहले भी इस तरह के भड़काऊ भाषण दे चुके हैं, उन पर कई बार FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यती जैसे लोगों की वजह से लोगों के मन में गलत भावना पैदा होती है, जिसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रशासन और पुलिस दोनों ही आंख बंद कर तमाशा देखते हैं। यती नरसिंहानंद के दिए भड़काऊ भाषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।